ये अपन के प्रशांत भाई है। यहाँ पे फेमस डिश कौन सी है अपन? अच्छे से ये सारी डिश यहाँ पे सजाई गई है भाई। भाई ये वाला है यहाँ पे पेपर डोसा। तो ऐसे डिश दिखाई देती है, मुंह में ऐसे पानी आ रहा है यार, मुझको तो कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। भाई ये प्रोसेस सब कुछ ऐसे चल रही है यहाँ पे। चिकन का शीक है भाई, और यहाँ पे भाई कड़क रोटी है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है भाई यहाँ की। काफी हेवी है यार ये वाला कप, क्योंकि मलाई है ना इसमें। एक गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ राज तांबोली एंड वेलकम टू माई चैनल हॉक ट्रैवलर। इस वाले ब्लॉग में भैया अपन करने जा रहे हैं सोलापुर के जितने भी सारे फेमस फूड्स है यार सोलापुर में, वो वाला सारा कवर करेंगे भाई। तो ये वाला ब्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और इस वाले ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और भैया चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। तो भैया अभी अपन सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए यार। और अभी मैं हूँ सोलापुर के एम्प्लॉयमेंट जॉब सर्कल में, और यहाँ का सीन ऐसे दिखाई देता है भाई, ये सड़क वड़क का इस साइड में, ये मिडल में ऐसे सब बनवाया गया है। और यहाँ पे भाई ये वाले साइड में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रंट में नमस्ते इडली, ये वाला आउटलेट है भाई। देखते हैं भाई वहाँ पे क्या क्या मिलता है अपन को। तो ये सोलापुर का एक फेमस स्पॉट है भाई, मिडल में नमस्ते इडली ऐसे दिखाई देता है भाई। तो यहाँ से आउटसाइड से तो सीन ऐसे दिखाई देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नमस्ते इडली ऐसे। तो भाई यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस काफी सारे फेमस है, और ये इंटरनली ऐसे सीन दिखाई देता है भाई ये वाले रेस्टोरेंट का। फ्रंट में हमको यहाँ पे किचन विचन दिखाई देता है, और इस साइड में हम लोग ऐसे बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं भाई। बेसिकली यार यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस के लिए ये वाला रेस्टोरेंट काफी फेमस है सोलापुर सिटी में, और स्पेशली यहाँ पे स्पेशल दावणगिरी डोसा ये काफी फेमस है भाई यहाँ पे। भैया यहाँ पे है ना, ये अपन के प्रशांत भाई है, इन्हीं का ये वाला रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ पे फेमस डिश कौन सी है अपन की? हमारा सर साउथ इंडियन का होटल है सर। साउथ इंडियन पिछले 6 साल से हमने यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हमारा दावणगिरी डोसा है। अच्छा, बहुत फेमस है ज्यादा से ज्यादा। नमस्ते एक नाम है, लेकिन डोसा यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सही है सही है। मतलब यार मैंने भी अभी अभी मेनू कार्ड चेक किया था, तो यहाँ पे यार डोसास के काफी सारे हमको यूनिक थिंग्स दिखाई देते हैं, आपको दिखाता भी हूँ। ये डोसास के प्लेन डोसा है, मसाला डोसा, सेट लोनी डोसा, कट डोसा, पालक चीज डोसा, ये मैसूर डोसा, और भाई यहाँ पे यूनिक वाला चीज पिज्जा डोसा भी मिलता है भाई। मतलब ये यूनिक चीज है भाई सोलापुर। तो जैसे अपन अंदर की ओर आते हैं भाई, यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट ऐसे दिखाई देता है, क्लीन एंड नीट सा सब कुछ दिखाई देता है, और इसी के फ्रंट में हमको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। मतलब यार जो चीज ट्रांसपेरेंट होती है वही दिखाई जाती है, मतलब ये डिस्प्ले भी है। किचन काफी क्लीन एंड नीट दिखाई दिया यहाँ पे। दावणगिरी स्पेशल डोसा बन रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। भैया ये वाले डोसा में स्पेशली यार बटर बहुत ही मेन चीज है भाई, इंग्रेडिएंट में। यहाँ पे अपन देख सकते हो ऐसे बटर लगाया जा रहा है। भैया ये वाली फाइनली डिश तैयार हो गई है, ये है यहाँ का स्पेशल दावणगिरी डोसा, जो कि डिश ऐसे दिखाई देती है भाई। काफी डिलीशियस लग रहा है यार यहाँ पे सब कुछ ये। और भैया यहाँ पे इस साइड में मेदू वड़ा की प्रोसेस चल रही है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो भाई, काफी क्रिस्पी से वड़े हमको दिखाई दे रहे भाई यहाँ पे बन रहे हैं। चलते ऊपर की ओर देखते अपन ये वाला सीन। इस साइड में भाई बेस्ट सा है भाई यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट, अच्छा सा बनाया हुआ है यार ये वाला सब अरेंजमेंट, और ऊपर से ऐसे दिखाई देता है सब कुछ यहाँ का सीन। भाई अभी अपन यहाँ पे
ये वाली डिश ट्राई करेंगे भाई, मैं तो बड़ा भाई देखने में इतना जबरदस्त लग रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे काफी क्रिस्पी सा और बहुत ही अच्छे से ये सारी डिश यहाँ पे सजाई गई है भाई। यहाँ पे ये चटनी है और ये सांबर है और ये मेदू वड़ा, तो टेस्ट करते हैं भाई कैसे लगती है। और अपन के साथ अपन के प्रशांत भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो साथ में टेस्ट कर रहे हैं भाई, तो टेस्ट करके देखते हैं। ये चटनी में डिप करते हैं भाई सबसे पहले, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सी और जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी वाली टेस्ट आ रही है भाई, मजा है भाई, पहले ही बाइट में मजा आ गया भाई। ये वाला है यहाँ पे पेपर डोसा, इतना लॉन्ग होता है भाई ये। तो यहाँ पे एक सर मिले थे मुझको, जिन्होंने भी मेरे साथ ही आगे वाले फ्रंट साइड पे ब्रेकफास्ट किया, तो पूछते हैं उनसे। सर आपका नाम? मैं मनोज कुर। अच्छा, आप प्रोफेशन से? मैं डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर अभी अभी आपने ब्रेकफास्ट किया, तो क्या फीडबैक देना चाहोगे? मैं यहाँ पे बहुत साल से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा रूटीन रहता है हर संडे को मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, यही मेरे काम पे रहता है, यही पे काम। अच्छा अच्छा, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा है। अच्छा। तो मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए। यस, मेरी तरह आप ये कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, चलेगा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू भैया। यहाँ पे अपन को ये एक सर मिल गए थे, सर आपका नाम? गौरव। गौरव सर मिल गए थे, तो ये भी रेगुलर यहाँ पे आते रहते हैं। आपका फीडबैक क्या है सर ये वाले? हम लोग तो 7 साल से एवरी अल्टरनेट डेज आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और 7 साल से वही टेस्ट है, और उसका रीजन हमें पता ऐसा चला कि प्रशांत जो यहाँ पे ओनर है, अच्छा, वो सब आने के बाद खुद सब कुछ टेस्ट करते हैं, फिर वो कस्टमर को। अरे यार ये बेस्ट चीज है, 7 साल से यहाँ पे टेस्ट कभी चेंज हुआ नहीं है। अच्छा, और मैं सोलापुर के सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप एक बार आके ट्राई कीजिए, फिर आप खुद ही आप रिव्यू देंगे कैसे है, यहाँ पे चलता है जो व्हाइट बटर यूज करते हैं, सोलापुर में व्हाइट बटर को यूज नहीं करता। अच्छा, येलो रहता है। ये वाले रेस्टोरेंट के डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है, सर ने बताया जैसे आप भी आकर यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं भाई, तो चलते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। पूछते हैं इनसे कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है यहाँ पे, और क्या क्या डिशेस ऐड करने जा रहे हो? रसम सूप बोलते हैं। रसम सूप, अच्छा। रसम एक बड़ा अलग ही चीज है। अच्छा, जो हमने अभी ऐड कर दिया फ्यूचर पे हमारा जो है। अच्छा, उस हिसाब से हम चालू कर रहे हैं। ओके ओके। और पुलाव का भी हमारा पुलाव का जो है, अच्छा, पुलाव ग्रो बोलो ये बोलो, अच्छा, वो सब चालू, को अभी अगले इसमें सीजन में चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये वाले डिशेज भी हमको यहाँ पे टेस्ट करने मिलेगी भाई यहाँ पे सब। अच्छा, तो भाई ये वाला रेस्टोरेंट अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा यार, 100% आप लोग विजिट कर सकते हो, और ये वाले रेस्टोरेंट की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चेक करके आप लोग आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो यहाँ के माइंड ब्लोइंग से डिशेज। ओके चलते हैं, थैंक्स करते हैं प्रशांत भाई का। भैया सोलापुर में यार और एक डिश काफी फेमस है, जिसको कड़क रोटी और मूंगफली की चटनी रहती है यार, इसको शेंगा चटनी ऐसे मराठी में बोला जाता है, कड़क भाकरी और शेंगा चटनी काफ़ी फेमस है यार, विद कर्ड मतलब दही के साथ, वो बहुत ही डिलीशियस लगती है, तो वो वाली टेस्ट करते हैं भाई। और अभी बेसिकली मैं हूँ पुणे सोलापुर हाईवे पे, और यहाँ पे ये वाले होटल में डिलीशियस सी डिश मिलती है भाई, ये वाला होटल है होटल मधुबन प्योर वेज। तो यहाँ का सीन कुछ इस तरीके से, ये होटल का काफी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है भाई, इस और भी सिटिंग का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे भाई फैमिली सिटिंग अरेंजमेंट हमको दिखाई देती है जो कि काफी बेस्ट है। इस साइड में अपन बैठते है भाई, यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है, तो भैया यहाँ पे अपन बैठते है, और यहाँ पे भाई चिल्ड्रंस के लिए पार्क भी बनाया हुआ है, तो उसको भी देखते है, पहले अपन टेस्ट करते हैं भाई ये वाली डिश। तो भैया अभी अपन की डिश आ चुकी है ये वाली, ये कुछ डिश का सीन ऐसे है भाई, ये वाली है कड़क रोटी, जवार की रोटी रहती है भाई यहाँ पे, और ये वाली मूंगफली की चटनी है, शेंगा चटनी कहा जाता है इसको, ये वाला दही है भाई सोलापुर का प्योर दही, तो ऐसे डिश दिखाई देती है, काफी डिलीशियस है भाई। भैया ये वाले मधुबन होटल की और एक स्पेशलिटीज यहाँ पे ये है यार, मतलब ये जो कड़क भाकरी और जो मूंगफली की चटनी है, ज्वार की रोटी और मूंगफली की चटनी, इसी को यार मसाला रोटी भी तैयार की जाती है यहाँ पे, जो कि सीन ऐसे दिखता है भाई यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे नीचे यार ये ऐसी रोटी है, और ये रोटी पे ऐसे पूरा गार्निश किया हुआ है, यहाँ पे सारी यही वाली चटनी ऐसे डाल के, प्याज व्याज टमाटर और हरा धनिया डाल के काफी बेस्ट से यहाँ पे बनाया हुआ है भाई,
तो यार ये सब कुछ देखने के साथ ही मुंह में ऐसे पानी आ रहा है यार, माउथ वाटरिंग हो रहा है, मुझको तो कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसे यहाँ की डिश लगती है भाई। तो भैया पहला बाइट लेते हैं यहाँ पे, और ये इतनी क्रिस्पी होती है यार, अपना जो पापड़ रहता है वैसे लग रहा है यार यहाँ पे ये सब कुछ। और ये चटनी के साथ हम लोग ये बाइट ले सकते हैं भाई, बहुत ही डिलीशियस है यार, मस्त लगा यार। और उसके साथ यार ये दही और चटनी के साथ दही भी खाएंगे ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा है यार ये वाली डिश यार, जरूर ट्राई करना आप लोग जब भी आप सोलापुर आओगे, सोलापुर के होगे तो यहाँ पे आके ये वाले होटल में ट्राई कर सकते हो। जो बेसिक टेस्ट होती है ना भाई, बेसिक टेस्ट वही सॉलिड है यार, मस्त लगता है। और उसके साथ ये वाला दही जो है वो टेस्ट को इतना इन्हांस करता है, इन्हांसर का काम करता है भाई। और भाई ये वाले होटल में हमको तरह तरह की डिशेज भी मिलेगी हमको, जस्ट लाइक पंजाबी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन वगैरह वगैरह सब कुछ। बट अपन यहाँ पे सोलापुर की एक स्पेशलिटीज के तौर पे ये वाली डिश ट्राई कर रहे हैं भाई, बाकी और भी डिशेज हमको मिलती है। और होटल का यार सराउंडिंग वगैरह काफ़ी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो मेरे बैक साइड में, क्लीननेस वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है भाई यहाँ पे, ये पूरा नया बनवाया है भाई यहाँ पे, ये सब कुछ अच्छा है भाई यहाँ पे। आप अगर फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे बच्चों के लिए यार खेलने के लिए भी काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी भाई प्लेइंग के लिए। और ये फैमिली पोर्शन ऐसे दिखाई देता है यहाँ पे, अच्छा है भाई। होटल का पूरा अपीयरेंस, क्लीननेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है भाई। और इस साइड में भाई इंटरनली होटल का सीन ऐसे दिखाई देता है भैया। अभी अभी जो अपन ने चटनी और रोटी जो ट्राई की थी वो यार हमको पार्सल भी यहाँ पे मिलती है, जो कि सीन कुछ इस तरीके से है भाई। ये वाली रोटियों का सीन है यहाँ पे, ऐसे पैक में मिलता है भाई, 5 रोटियों का पैक है भाई ये। और ये वाली यहाँ पे चटनी मिलती है जो कि काफी फेमस सी चटनी है भाई, यहाँ पे सोलापुर की नस्ले सुप्रसिद्ध चटनी ऐसे लिखा हुआ है भाई। तो काफी बढ़िया लगा यार ये वाले होटल का सीन, होटल मधुबन का सीन, जो कि सोलापुर पुणे हाईवे पे यहाँ पे आएगा भाई। भैया अभी अपन आ चुके हैं सोलापुर के पेंटर चौक ये एरिया में, और भाई यहाँ का सीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है भाई पेंटर चौक। ऐसे बेसिकली भाई ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे सोलापुर का यार नॉनवेज फूड्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मिलता है भाई, ये एक स्पेशलिटीज है भाई यहाँ की, बहुत ही डिलीशियस यार नॉनवेज फूड यहाँ पे मिलता है। ये यहाँ पे यार सीन कुछ इस तरीके से रहता है, हम लोग यहाँ से सब कुछ रॉ चिकन विकन लेके इन्हें देना होता है, तो ये हमको प्रिपेयर करके बना के देते हैं भाई। तो नॉनवेज शौकीनों के लिए यहाँ पे काफ़ी बेस्ट डिश मिलती है भाई ये वाले पेंटर चौक में। तो चलते हैं भाई, अपन भी देखते हैं टेस्ट करके, चिकन लेते हैं भाई। बेसिकली मैं चिकन ही प्रेफर करता हूँ यार, तो चिकन लेकर वो देते हैं भाई। यहाँ पे ये वाला जो सीन है चकोले मटन भजनल है, यहाँ पे अपन बनाएंगे भाई सब कुछ। तो सबसे पहले अपन चिकन लेकर आते हैं भाई, ये यहाँ पे इंडियन चिकन ऐसे सीन है भाई, ये एक स्पेसिफिक तरीके से यार कट किया जाता है यहाँ पे, हम लोग देख सकते हो ये ऐसे कट्स लगाते हैं यहाँ पे हर एक पीस को। ये चिकन कट करने की यहाँ की एक तरीका अलग है भाई, इसको फांसना ऐसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग वो वाले जो कट्स लगाए जाते हैं यहाँ पे, जो हम लोग जहाँ पे ये सब कुछ देंगे तो वहाँ पे एक मसाला यूज किया जाता है, वो अच्छे से मैरिनेट हो, इसीलिए ऐसे यहाँ पे कट किया जाता है भाई ये चिकन। यहाँ पे आ चुके हैं चकोले मटन भजनल है, और अंदर चलते है भाई। यहाँ पे हमको वो जो अपन ने चिकन लिया था वो देना होगा, ये लो, ये अपन के प्रकाश भाई है भाई, ये सब कुछ बनाते हैं। तो देखते हैं भाई प्रोसीजर क्या है क्या नहीं, आपको दिखाते हैं सब कुछ डिटेल में। यहाँ पे अपन ने चिकन दिया है, ये मसाला ऐसे मैरिनेशन का बनवाया जा रहा है सब, ये सब कुछ मिक्स करके ये वाले भैया अब ये चिकन को लगाएंगे भाई। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये वाले फर्श पे मैरिनेशन किया जाता है, तो ये ऐसे यहाँ पे सब कुछ लगाया जा रहा है मैरिनेशन के बाद में, ये वाले बार पे सब लगाया जा रहा है ऐसे लगाते हैं। और ये लगाने के बाद भाई इसको 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखा जाता है, फिर वापस से यहाँ पे कोयले वाले भट्टी पे वो सब कुछ भुना जाता है भाई। भाई इसकी जो टेस्ट होती है ना गर्मा गर्म खाने की, बहुत ही जबरदस्त होती है यार, नेक्स्ट लेवल की लगती है। फिश भी यहाँ पे भुनी जाती है भाई, फिश भी किया जाता है, जो कि सीन देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये
प्यारा सा सब कुछ मैरिनेशन के लिए चिकन लेग पीस का ओनली चिकन लेग पीस रखा हुआ है भाई यहाँ पे। और इस साइड में फिश देख सकते हो जो कि अभी मैरिनेशन होने के लिए जा रही है, और यहाँ पे भी फिश है भाई, और इसको भी ये वाले कोयले के भट्टी पे भुना जाएगा। ये यहाँ पे यहाँ के रेट है भाई, मटन सीख 1 किलो 240 रुपीज, मटन कढ़ाई मतलब ग्रेवी होती है वो 240 रुपीज पर केजी, चिकन सीख 240 रुपीज पर केजी। तो ऐसे यहाँ पे रेट सब कुछ है भाई, और यहाँ पे ग्रेवी बनती है भाई स्पेशली, यही कोयला यहाँ पे यूज करके ग्रेवी बनती है यहाँ पे। होने के बाद यार जो मक्खन में इसको डाल के इसको अच्छे से गरम किया जाता है ना, वो वाला बहुत ही टेस्टी लगता है, और वो ऑप्शनल है भाई। अगर किसी को मक्खन नहीं चाहिए होगा तो अपन नहीं डाल सकते यहाँ पे, अगर चाहिए तो मक्खन में भी बना सकते हैं ये। अभी अपन ने तो मक्खन वाला ऑप्शन लिया है। ये ऐसे इसके अंदर मिक्स किया जाता है चिकन को, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की टेस्ट लगती है भाई ये। ऐसे अच्छे से उसको मिक्स किया जाता है, ऐसे यहाँ पे भाई सर्व किया जा रहा है सब कुछ। और यहाँ पे मक्खन का सीन देख सकते हो यार, काफी डिलीशियस सा लग रहा है सब कुछ। चिकन का शीक है भाई, और यहाँ पे भाई कड़क रोटी है। तो भैया ऐसे यहाँ पे सीन है सब कुछ, काफी डिलीशियस सा सब कुछ लग रहा है यार यहाँ पे देख सकते हो। और बेसिकली ये वाले होटल में मतलब यहाँ पे चौकड़ी मार के बैठना पड़ता है भाई जमीन पे, तो उसका फील एक अलग लेवल का आता है। तो चलते हैं टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक बाइट ले लेते हैं अपन। भाई माइंड ब्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है भाई यहाँ की। स्पेशली यार मक्खन जो डाला हुआ है उसका टेस्ट काफी जबरदस्त लग रहा है भाई, माइंड ब्लोइंग भाई। भाई अभी अपन आ चुके हैं बाहर की ओर, और यहाँ पे बिल पेड करते हैं और निकलते हैं भाई। तो भैया अभी अभी अपन ने बिल पेड किया है, और ये वाले अपन के प्रकाश भाई है भाई, जो यहाँ पे सब कुछ ये अरेंजमेंट देखते हैं। तो जब भी आप आओगे तो इनके पास आइएगा, बाहर वाला तो सीन आपको दिखा दिया। तो बहुत ही डिलीशियस यार सब कुछ डिश बनाते हैं। तो चलो चलता हूँ। ओके थैंक यू भैया। अभी अपन आ चुके हैं सोलापुर के बीजापुर बेस ये एरिया में, और ये वाले एरिया में यार यहाँ पे चाय यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मिलती है। सोलापुर सिटी की काफी फेमस सी चाय मिलती है भाई। और ये वाले एरिया का सीन यहाँ पे सर्कल का सीन ऐसे है, और ये वाला जो होटल है यहाँ पे स्टार होटल ऐसे दिखाई देता है, यहाँ पे वो वाली चाय मिलती है भाई स्पेशलिटी। तो चलते हैं भाई अंदर की ओर चलकर टेस्ट करते हैं यहाँ की चाय। बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज में यहाँ पे हमको चाय मिलती है भाई। ये सीन है यहाँ का, इस साइड में हमको दिखाई देते है भाई, और ये पूरा चाय के हमको फ्लेवर्स यहाँ पे दिखाई देते है। ये वाला ग्रीन टी है, मिंट टी, रोज टी, जिंजर टी, सुलेमानी टी, लेमन टी, ऐसे काफी सारे वैरायटीज है भाई यहाँ पे। रोज टी भी है, और इलायची टी भी है, मसाला टी है, मतलब इतने सारे वैरायटीज यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं भाई। और ये सारी टी यहाँ पे ऐसे बनाई जाती है भाई। ये इनका किचन है, इस साइड में भी देख सकते हो। तो भाई और यहाँ पे स्पेशली ईरानी चाय मिलती है भाई, तो अपन भी टेस्ट करते हैं एक चाय यहाँ पे। बट सीन तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। ये वाले पूरे चाय का यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में हमको चाय मिलती है भाई, मतलब सोलापुर सिटी की काफी फेमस यहाँ पे चाय मिलती है, और टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल की होती है भाई। तो अपन ने अभी अभी मलाई चाय ऑर्डर की है, तो देखते हैं भाई टेस्ट करके। तो अभी अभी आ चुकी है भाई ये वाली चाय यहाँ पे।
ये है भाई यहाँ की स्पेशल मलाई चाय, पूरी लबालब यार मलाई से भरपूर यहाँ पे चाय का सीन दिखाई देता है। हेवी है यार ये वाला कप, क्योंकि मलाई है ना इसमें, भरपूर मलाई है। टेस्ट तो काफी नेक्स्ट लेवल की है भाई। ये वाली चाय स्टार होटल में सोलापुर में मिलती है भाई। भैया ये वाली चाय पीने से ज्यादा चबाना पड़ी यार, मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा मलाई थी यहाँ पे ये वाले चाय में, तो चबा कर ही खाना पड़ा उसको। बट टेस्ट यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लगी। और चाय अपन ने खत्म की है, और ये वाली चाय आई थिंक 15 रुपीज की होगी, तो बिल पेड करते और चलते भाई। तो ये वाले होटल का यार अपीयरेंस भी काफी बेस्ट लगा, मतलब क्लीन एंड नीट सब कुछ है, और ये वाले आइटम भी यहाँ पे मिलते है भाई इस साइड में, तो अच्छा लगा यार। मतलब वो चाय भी टेस्ट करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगा, अच्छी लगी चाय भी, और अदर फूड्स भी काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे भाई। तो सीन वंस अगेन अपन देख सकते हो ये पूरा होटल का। तो भैया ऐसे सब कुछ सोलापुर के सारे डिशेस हमने टेस्ट किए यार, काफ़ी डिलीशियस थे सब कुछ डिशेस थे, और ये वाली चाय भी काफ़ी बेस्ट लगी भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट, और भाई चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। तो हे गाइस इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट, तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।